झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के अंदर की आपसी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। पोड़ैया हाट विधानसभा सीट पर भाजपा के नेता आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। टिकट की दावेदारी को लेकर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब पार्टी के भीतर ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पार्टी के नेता और टिकट के प्रबल दावेदार राघवेंद्र सिंह के खिलाफ अब पार्टी के ही अशोक शर्मा ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। अशोक शर्मा ने मीडिया चैनल्स को दिए बयान में राघवेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें बिहारी कहकर अपमानित किया और उन पर कई आरोप भी लगाए। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की इस आपसी खींचतान ने पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टिकट को लेकर इस संघर्ष ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। आखिर चुनाव से ठीक पहले इस घमासान का असर भाजपा के वोट बैंक पर क्या पड़ेगा? क्या पार्टी इस आपसी कलह को खत्म कर पाएगी या फिर चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें समाचार आज तक। बहुत तरह की बात आ रही थी, जो क्षेत्र में जो मैसेज मिलता है, कई पब्लिक के बीच जाते हैं, पब्लिक कन्फ्यूज था कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे कौन। पब्लिक के पास जितनी भी पार्टी के कार्यकर्ता है सब जब बोलते हैं कि हम प्रत्याशी हैं, तो जो जनता वोट देने के लिए चाहती है वो कन्फ्यूज है कि किसको वोट देंगे, कौन प्रत्याशी होंगे। इन पार्टी की तरफ से हमें आया है संदेश कि आप डटे रहिएगा क्षेत्र में। डटे रहिएगा मतलब क्या? आप प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए बीजेपी में है राघवेंद्र सिंह एक है, सुभाष यादव एक हैं, कई ऐसे तमाम नेता हैं जो अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। पहले से देवेंद्र नाथ सिंह है, गदाधर सिंह है, तो ऐसे में आप अपनी दावेदारी को कहाँ देखते हैं? देखिए पहले में प्रशांत मंडल जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ को 25% में ले गया। इसके बाद देवेंद्र सिंह चुनाव लड़ा तो 40% आया। इसके बाद गजाधर जी चुनाव लड़ा तो 55% आया। और जहाँ तक जिसकी बात किए, यहाँ बहुत बिहार का प्रत्याशी है, गोड्डा जिला में 3 मीटर जमीन ले लिया, घर बना लिया, वो बोलता है हम भाजपा का प्रत्याशी हैं, पोड़ियाड का प्रत्याशी हैं, उसका पहले जाति प्रमाण पत्र है। राघवेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले मालूम है? वो बक्सर के रहने वाले हैं, उसका पिताजी सिंहसरी मंदिर में काम करने के लिए आए थे, वहाँ राजा लोग के उनके पिताजी दरवानी का काम करते थे, उसका घर ओरिजिनल यहाँ नहीं है। तो फिर सुभाष यादव कहाँ के? सुभाष यादव भी बिहार के हैं, कहलगांव के हैं। फिर आपके ममता जी कहाँ के हैं? ममता दी जी यहाँ पर लोकल हैं, पोड़ियाड के हैं निवासी। फिर कोई ना कोई तो है ना, आखिर आप पे जनता, आप पे जो पार्टी विश्वास क्यों करेगी? पार्टी इसलिए विश्वास करेगी, मेरी जन सलाब है, हम जिस जाति से आते हैं, मेरा 136,000 वोट है और हमें विश्वास है अगर हम प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी का तो हमको 80,000 वोट आएगा पचपनिया जाति की। पिछले बार भी आपने टिकट को लेकर दम भरा था, लेकिन पिछली बार भी आपको टिकट नहीं मिला था, ना पार्टी में आपको आज तक कोई सम्मान मिला है, ना कोई पद मिला है, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि टिकट आपको पार्टी देगी? देखिए पार्टी की जो भी होता है, पार्टी मान सम्मान देना या नहीं देना, पार्टी को हमने मान सम्मान दिया है और वो मान सम्मान दिया, वो निशिकांत जी को भी मालूम है कि कैसा मान सम्मान अशोक शर्मा ने दिया है, और गजाधर जी को मालूम है कैसे अशोक शर्मा ने मान सम्मान दिया, देवेंद्र सिंह को भी मालूम है कैसे मान सम्मान दिया। और हम जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, सरयाहट 15,000 वोट कमल फूल को बराबर देती है। फिर भी आपको क्या कहते हैं दरकिनार किया जाता है, कहीं मंच पर आपको देखने, आज तक कहीं मंच पर आपको देखा नहीं गया है? हाँ ये तो दुखी की बात है, मंच पर देखा नहीं, इसलिए कभी कभी तेज व्यक्ति को कटिंग करने का बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो ऊपर के पदाधिकारी हैं ऐसा कभी वो नहीं बोलते हैं कि अशोक शर्मा को मंच मत दो, अशोक शर्मा को कहीं पार्टी में नहीं रखो। यहाँ जब भी बनते हैं 3% वाले व्यक्ति लोग जिला अध्यक्ष बनते हैं और 97% वाले अपेक्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या लगे? इस तरीके से जब पार्टी में ही बात हो रही तो आप कह रहे कि 3% लोग वालों को जो है यहाँ पर तवज्जो मिलता, तो फिर आपको टिकट कैसे दिया जाएगा? टिकट देगा, इस बार टिकट देना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी। अगर टिकट नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? टिकट नहीं दिया उस टाइम में सोचा जाएगा, बताएंगे। कौन कौन अभी टिकट के रेस में, कौन कौन, क्या लगता है आपके नज़र में कौन कौन है कि पोड़ैया हाट से दो अगर प्रबल दावेदार होगा तो कौन कौन होगा वो? अभी जो वर्तमान में हालात है,
प्रत्याशी पार्टी तय करती है और नेता जनता तय करती है। हम किसी के विषय में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम चुनाव मैदान में हैं। मेरा पचपनिया जाति का 1,30,000 वोट है, हम उनके बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए। यहाँ 25 साल से जो भ्रष्टाचार है और यहाँ पे जो कई सिस्टम में सरकारी संस्थाओं में जो अनियमितता है उसको शांत किया जाएगा। पिछली बार भी बीजेपी पूर्ण जोर से लड़ी थी, तमाम ताकतें बीजेपी की जो है वो लगी थी प्रदीप यादव को हराने के लिए, लेकिन उनको हरा नहीं सकी। इस बार ऐसा क्या होगा कि प्रदीप यादव हार जाएंगे? देखिए, यहाँ पे जब पार्टी कैंडिडेट तय करती है, जब मैदान में रहते हैं, प्रदीप जी के योग को प्रत्याशी अभी तक पार्टी खड़ा नहीं की है। प्रदीप जी जहाँ जिस सीट से बात करेगा उसी सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को खड़ा होना होगा, तभी जीत होगा। मैं प्रत्याशी अपने आप को कह रहा है वो बाहरी, तो एक और बीजेपी कह रही है कि घुसपैठी जो है झारखंड और संथाल मोर्चा में हावी है, तो ऐसा नहीं कि पार्टी में भी अदर राज्य के लोग जो है यहाँ हावी? हम तो विरोध करेंगे, पार्टी हमें टिकट दे या ना दे, बाहरी प्रत्याशी पोड़ियाड में नहीं चलेगा। चाहे राजीव मेहता हो या राघवेंद्र सिंह हो, सुभाष यादव हो, ये सब आधार कार्ड वाले भागलपुर वाले लोग पूर्णिया कटिहार यहाँ नहीं चलेंगे। एक ही चला, वो मान्य सांसद जी को हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। बाद बाकी पोड़ियाड विधानसभा में अगर बारी प्रत्याशी आएगा घोर विरोध होगा और वो पचपनिया जाति विरोध करेगा। कौन मुख्य दो दावेदार है? हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी में कौन दावेदार है, दो होंगे? अभी तो दावेदार में पोड़ियाड से देवेंद्र जी को मानते हैं। अगर देवेंद्र जी को टिकट मिल जाता क्या आप सपोर्ट करेंगे? देवेंद्र जी को सपोर्ट मिल जाएगा तो पूरा जनता उनके साथ है। दीपक भाई जी, इन लोग 60,000 पब्लिक को लाया, लेकिन 60,000 पब्लिक को सम्मान नहीं दे पाया 5 साल तक, चाहे देवेंद्र जी हो या गजाधर जी हो। 60,000 वोट लाने के बाद, 65,000 वोट लाने के बाद पब्लिक के साथ खड़ा होगा ना, चाहे थाना में हो। हाँ बिल्कुल, 5 साल नजारा रहता है। बरसात के टाइम में आता है, एगो पुराना ट्रैक्टर ले जाता, हर हर करता है, बाद बाकी सब चला जाता है। आप इतने दिन से नेता हैं, किसी भी चुनाव को जीतने की एक योजना होती है, ठीक है, लेकिन आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब योजना ऐसी लग रही है कि आप लोग मतलब निखर के नहीं टूट के बिखर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आप लोग के सामने, सुभाष यादव हैं, अलग अलग प्रत्याशी अभी जैसे कि और बोला गया, तो आप लोग का एक निश्चित होना चाहिए कि एक प्रत्याशी जो है दिखे चुनावों की नज़दीक आने, और वैसा दिख नहीं रहा है, तो इससे कैसे बीजेपी लड़ेगी? एक चेहरा है ही नहीं जनता के सामने। हाँ बिल्कुल राइट, 100% सही बताया। कैसे बीजेपी लड़ेगी इस चीज़ों से? देखिए, तो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्र नेतृत्व काउंसलिंग किया होगा कि किस बैकग्राउंड से चुनाव यहाँ पे लड़ेगी और जीतेगी।